पर हमारे म्यूजिक को भी उन्होंने इतना ही प्यार दिया है जितना हमारे कंटेंट को दिया है। और उसके बाद हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ऑल्ड बालाजी प्रेजेंट्स वन मोर ब्यूटीफुल 70s मसाला एंटरटेनमेंट अपहरण। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऑल्ड बालाजी के लिए फॉर प्रोड्यूसिंग दिस ब्यूटीफुल मसाला एंटरटेनमेंट। तो इंस्टाग्राम पर बहुत ही सारे स्टोरीज चल रहे थे अबाउट अपहरण, जिसमें ऐसे एक स्टोरी थी एकता मैम की भी और बहुत ही सारे एक्टर्स की, जिसे देखकर हमारे फैंस और ऑडियंस ऑलरेडी सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये किसका अपहरण हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। जिसका जवाब हमने हमारी ऑडियंस को आज सुबह हमारे ट्रेलर लॉन्च के साथ दे दिया था, पर क्योंकि आप सभी इतने बिजी रहते हैं सो लेट मी प्रेजेंट टू यू ऑल द ट्रेलर ऑफ ऑल्ड बालाजी प्रेजेंट्स अपहरण। एक बार जोरदार तालियों के साथ लेट्स ऑल हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल ट्रेलर। काम क्या है? अगवा करना है। अगले हफ्ते गाजियाबाद में एक शादी है। अनु अनु भी जाएगी। शादी का माहौल है, जुम करो जुम करो जुम करो, तो पहरा भी कम होगा। अरे बहन चो, अनु खुद ब खुद आपकी गोद में बैठकर कहेगी चलो अंकल ले चलो यहाँ से, बस हो गया काम। हमें लगा था होटल जाएंगे क्योंकि हनीमून पे नहीं आए। ये क्या पिकनिक लग रही है तुमको? लड़की वापस चाहिए तो फिर और 10 करोड़ की होगी। ये था तुम्हारा इंतजाम भोसड़ी के? तुम्हारे चार भड़वे वहाँ शादी की घोड़ी से मैया ठुकवा रहे थे। जिंदगी में चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है शुक्ला, जो घेरे हुए ना हमें। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जब लेता है तो क्या क्या फाड़ देता है, इसका एहसास अब होने लगा था। बहुत भारी है सर। आपको हम पे शक है? क्यों मजाक कर रहे हैं सर? आपको गोविंद त्यागी जी के बच्ची के केस का इंचार्ज बनाया जाता है सर। दुनिया में लोगों को भी हो जाता है, इसमें किसी भी हालत में ये तहकीकात रोकनी है। आँखों में यारों का दिल खो जाता है सर। इस लंबे आदमी पे हमें शक, लड़की को ड्रग्स दिया होगा, बेहोश किया होगा, उसके बाद उसका मुंह बंद किया होगा, उसके बाद लेके कूद गया होगा। भोजड़ी के भोजपुरी पिक्चर की कहानी रच रहे होगा? अपहरण के सुलझाएंगे बहन चोद। ये जी गाली दे रहा है कोई? क्या बोल रहा है? बहन चोद बोल रहा है। इतना तो बता दीजिए कि अनु ठीक है कि नहीं। कहो मतलब किसी दूसरी औरत के इन्वॉल्वमेंट का अंदेशा है? अरे जनाब यही तो है वो। वो लंबा आदमी इतने पैसे लेकर कहाँ से आया? हम बहुत प्रभावित हुए हैं सर आपसे, माँ कसम सर। ये दो लड़की जो फंसा के गई, एक मर गई और एक मार गई। सीसीटीवी की फोटेज हम देखे हैं सर, आदमी लंबा था। फिर लंबा था, बच्चन साहब को उठवा दें। अरे किससे कंपेयर कर रहे हो खुद को बे? बच्चन बाबू को पैसा कमाने के लिए किसी को अगवा करने की जरूरत नहीं है, एक फ्रॉड फिल्म करेंगे उनका काम हो जाएगा। Come on guys, I'm तो है, लेकिन जब लेता है तो क्या क्या फाड़ देता, इसका एहसास अब होने लगा था। बहुत भारी है सर। यारों का दिल खो जाता है सर। इस लंबे आदमी पे हमें शक, लड़की को ड्रग्स दिया होगा, बेहोश किया होगा, उसके बाद उसका मुंह बंद किया होगा, उसके बाद लेके कूद गया होगा। भोजड़ी के भोजपुरी पिक्चर की कहानी रच रहे होगा? अपहरण के सुलझाएंगे बहन चोद। ये जी गाली दे रहा है कोई? क्या बोल रहा है? बहन चोद बोल रहा है। इतना तो बता दीजिए कि अनु। अरे जनाब यही तो है वो। वो लंबा आदमी इतने पैसे लेकर कहाँ से आया? हम बहुत प्रभावित हुए हैं सर आपसे,
मां कसम मिस्टर पर्ल पुरी एंड मिस सुरभि ज्योति, जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए। और उनके बाद मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा द कास्ट ऑफ द मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज बाय ऑल्ट बालाजी, अपहरण के कास्ट को। तो जोरदार तालियों के साथ लेट मी वेलकम अरुणोदय सिंह हु इज प्लेइंग सौमित्र। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए उनके लिए। वी हैव द गॉर्जियस निधि सिंह, शी इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रांझना। And after her, we have Sadanand Verma, he's playing Dubeji, and Mr. Ravi Jankar, who's playing Harish. So, zordar taliyan ho jaye for our beautiful cast on stage, guys. Taliyan, taliyan bajti rehni chahiye ek bar. Come on. All right. So, acha, all right. My bad. Arunoda is playing a character called Rudra. Sorry, sir. All right. So, moving on, I would like to ask the team and the cast about how was this integration? Is integration ke bare mein aapka kya kehna hai, especially starting with Pearl U. Can we please have another mic on stage? Thank you. Hello. Yeah. Guys, jaisa ki aap sab logon ne dekha, maine bhi dekha. Kamal ke trailers hain, bahut promising hain. Aur main actually UP se hoon, to mujhe lagta hai kafi connection hai mera yahan se. To jo language hai, jo Arunoda ne pakdi hai film ke andar, web series ke andar, वो काफ़ी ऐसा लगता है जैसे वहीं से बिलोंग करते हैं, जो कि एमपी से हैं जो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है देख के। तो आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट ऑल्ट बालाजी इज़ बिकम वेरी वेरी बिग रिसेंटली। आप देख रहे होंगे आई थिंक हर हफ्ते एक वेब सीरीज हम लोग रिलीज करते हैं, राइट? सो दैट्स अ बिग थिंग एंड मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। ये देखिए तालियां प्लीज। कौन कर रहा है एक हफ्ते में एक वेब सीरीज रिलीज यार, एंड दैट टू सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट बालाजी, सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट बालाजी। बालाजी को और हम थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, हम सारे ही बालाजी के बच्चे हैं छोटे छोटे, और हम लोग बहुत खुश हैं हमारे प्रोडक्शन में, जहाँ पे इस तरीके की फिल्म्स जो कि एक मैसेज भी देती हैं, साथ में आपको बहुत अच्छा जर्नी देती हैं जब आप देखने बैठते हैं। मैं खुद जितना भी मुझे ब्रेक में टाइम मिलता है या इन बिटवीन द शॉट्स, मैं ज़रूर देखता हूँ। और अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन नाउ। Over to Surbhi. Thank you. First of all, yes, today was, you know, our integration day with the cast of Apharan. I shot with Arunoday. I really had fun. Then I saw this trailer. You guys are just so amazing. Of course, you know, I've been watching all your work, Mahi, and this chick from Permanent Roommates. You know, I was like so amazed with this ensemble cast, because this is, as he said, Inka. I'm not sure if you have done something like this before. You know, this accent, this dialect, or something, right? So, not really. Yeah, so, you know, that's the range we get here. And again, you know, for Alt Balaji, look at their range. You know, they get us test case, then they just get us Gandhi Baat, then, you know, Bose, then Apharan. I've been watching Broken. It's just huge, you know, and the range is just so impressive. Many, many congratulations to the team of Alt Balaji and, of course, Apharan. This is actually looking very promising. All the very best. Thank you so much, guys. Jordan, Thalia, Apharan. Starting with Arunoday, that... all right, whoever. So, starting with Mahi. Yes, ma'am. Yeah. So, why did you select अपहरण? Why? Obviously, we all know the content is so amazing. But फिर भी आपके हिसाब से आपकी process क्या थी उस character को पसंद करने के लिए? मैं भी experience करना चाहती थी web series. और मुझे ये बहुत ही interesting subject लगा, बहुत बहुत interesting, बहुत ही mystery है इसमें. एक तो ये भी reason है, the script is very strong. दूसरा the director of the सीरीज़, वेब सीरीज इज़ रियली नाइस. आज वो है नहीं यहाँ पर हमारे साथ, लेकिन बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है वो. एंड एक मैं बालाजी के साथ हमेशा से एसोसिएट कर होना चाहती थी, बट कभी मौका नहीं मिला. आई रिमेंबर 10 years बैक व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग लुकिंग फॉर वर्क. आई थिंक ये 2008 की बात है, बिफोर आई स्टार्ट शूटिंग फॉर देवडी. मैं बालाजी के ऑफिस गई थी, ऑफिस में नहीं गई थी, मैं बाहर गेट पर गई थी, और मुझे गार्ड ने बोला, मैंने कहा मुझे एकता जी से मिलना है. तो ही सेड नहीं नहीं आप ऐसे नहीं किसी को मिल सकते. मैं कहा प्लीज़ मुझे मिलने दीजिए, मैं किसी को जानती नहीं, मेरे पास कोई नंबर नहीं है, किसी का नंबर नहीं है, मैं किसी को यहाँ पर जानती नहीं हूँ. लेकिन मुझे वहाँ से भगा दिया गया. जी, मुझे वहाँ से भगा दिया गया कि आप ऐसे नहीं मिल सकते किसी से भी. और आज आई थिंक इट्स बीन 10 years, तो आज
मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा. ऑल बालाजी इज़ डूइंग रियली वेल, तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं उनके साथ एसोसिएट हुई हूँ. एंड अपहरण इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सो मैम, आपकी बकेट लिस्ट से जो बालाजी जो टिक हुआ है, तो उस गेट से यहाँ तक आने की आपकी जर्नी के बारे में आप दो शब्द कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगा कि आज एक डिफरेंट तरह के तरीके से हम लोग मिल रहे हैं, जहाँ धक्के मार के भगाया गया था और आज उनके साथ काम कर रही हूं. आज आपको बुलाकर बिल्कुल आज बुलाया गया है. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए इस बात पर. थैंक यू. दो दो बार बोलो भैया, तीन माइक हो चुके हैं, ले लो. यस सर, द सेम क्वेश्चन दैट व्हाई डिड यू सिलेक्ट अपहरण एंड व्हाट वाज योर प्रोसेस बिहाइंड इट? मैं सिद्धार्थ सेनगुप्ता जो डायरेक्टर हैं उनसे मिला था. उनने मुझे कहानी सुनाई और मैंने बोला कि आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझसे बहुत हट के कैरेक्टर था. और फिर उन्होंने बताया था कि और कौन हैं, निधि हैं, माही हैं. और वरुण ने जो डायलॉग्स लिखे थे वो भी मुझे बहुत बहुत कमाल के लगे. वरुण वडोला जो, वो भी आज नहीं है. तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी. मैंने बोला कहाँ साइन कहाँ करना है, कर लिया. और बालाजी के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, मैं तेरा हीरो में. और वो दोबारा मुझसे पूछने आया तो मतलब इतना भी बुरा काम नहीं किया होगा. तो अब और ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगा, तो मैं बहुत खुश हूँ आज. जी, आपका आपका काम देखकर ट्रेलर में वी ऑल आर श्योर कि आपने कभी बुरा काम नहीं किया. उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसी बात पर. व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क सर. थैंक यू. एंड निधि, आई वुड लाइक टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन. As Surbhi said, from permanent roommates to Apaharan, your journey about it and what was your process about it? I, at that point, was very keen to do something different from the girl next door and everything. And this just happened to come to me, and I was busy promoting something else and I was getting very bored. And this came to me and I remember just reading it very casually. और रीड करते करते मैंने पहला उसको कॉल किया, विलास करके, ही इज़ द राइट हैंड ऑफ सिद्धार्थ सेन गुप्ता. और मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा डायलॉग्स किसने लिखे हैं, ये बहुत अच्छा लिखा है, कब करना है ऑडिशन, ये वो. एंड देन आई वेंट एंड आई मेट द डायरेक्टर एंड ही इज सच अ गुड मैन, सच अ ग्रेट डायरेक्टर, बट एट द सेम टाइम सच अ गुड ह्यूमन बींग एंड वेरी हम्बल. एंड आई वॉज सो intimidated because later when I googled him I realized who he is, and then I read the story and yeah, I was very skeptical, I was very scared if you know a platform as big, one of the leading OTT platforms, Old Balaji and Ekta Kapoor, who I've looked up to all my life, so I was like, will they like me and everything. But then I got the call and I was like, they told me that aap kar rahe hain, I was like, okay. More than happy to do it. Zodar, taliyan ho jai for our beautiful cast. Ekta ma'am will be joining us very soon in next 5 minutes. Until then, now I will request our the media people to ask few questions if they have any. I'll request, please, mic de dena. Sir ji, starting with the questions from the audience. Hi Arundhya, Sana here from Indian Express. So you said that you worked with Ekta before in Main Tera Hero. So there it was a comedy element. So tell me, how much of a difference was it playing a comedy role and now this as intense as this? The work was pretty much the same. I play a not so nice man in that, and I'm trying to play a better man in this, but I don't quite succeed. So yeah, they generally keep me around here. They like me as a person, but they make me play really terrible men. All right. Anybody else? Hello, Shantanu this side from Zoom. Mahi, mera aapse sawal hai ki filmon mein bhi aap kuch is tarah ke kirdaar pehle kar chuki hain. To aapke liye alag kya raha is web series mein? Mujhe pata tha ye question pucha jayega. Main taiyari karke aayi hu iski. Haan, aapko look se lag raha hoga ki waisa hi hai, but waisa nahi hai. Jab aap dekhenge to waisa nahi hai. Ye bahut hi mysterious woman hai aur mystery isi se shuru hota hai aur isi se khatam hoti hai. To aisa nahi hai ki wo same आई नो लग रहा है देखने में वही सेम कॉस्ट्यूम टाइप वैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत अलग तरह का कैरेक्टर है इसमें. कभी आपको करना पड़े तो आप कौन सी टाइप की वेब सीरीज करना पसंद करेंगे? एंड यू नो आई हैवंट डिसाइडेड द टाइप,
But I would love to do a web series. Definitely with cinema, like web series like this, definitely I would want to do something like this. And characters basically, TV shows mein jis tarike ke hum characters portray karte hain, wo kafi had tak, I won't say same hote hain, but on those lines, agar hum compare karenge web series se, to you get to experiment a lot. So like this, I would want to experiment something like that. And old Balaji is something I would look up to. I would want to work with them, as I'm already in Balaji, so I would want to love. I would want to work with them also. Yeah. Thank you. Mahi ma'am, main aapse puchna chahti hu. Is aparan सौधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल सेम वैसे ही दिखता है अपहरण, इसमें क्या खास बात है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ, मुझे नहीं पता, मैंने क्राइम पेट्रोल मैंने वो देखा नहीं है, आई एम सॉरी, पर मुझे पता है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है उसके अंदर भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब आप इसको देखेंगे आपको पता चलेगा इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस है. यू नो वो जो 70s का आपको जो एरा वो आपको याद आएगा, रेट्रो म्यूज़िक, और ऊपर से इसकी जो वन लाइनर्स है बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और जैसे जैसे कि आप देखते जाओगे आपको लगेगा कि अब मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ नया होता जाएगा, तो अलग ही होगा. लेकिन इससे क्या आप मैसेज देना चाहते हो अपने लोगों को? मैसेज? या क्या मैसेज देना चाहते हो आप? कि हर डायलॉग्स में रॉन्ग वर्ड्स ही है, सॉरी, गाली वगैरह है हर डायलॉग में. हर डायलॉग में गाली है? हम लोग रोज गाली नहीं हम करते हैं ना, थोड़ा बहुत साले एक क्या करता है भाई, मतलब कुछ तो चलता रहता है, तो आई थिंक ठीक है. okay. अच्छा लग रहा है. मैं तो वैसे भी जाट सिख, हमारे घर में तो गालियों के बिना बात भी नहीं करते हैं. सच्ची या प्यार और गाली बस ये तो चाहिए चाहिए. Anybody? Done? Are we done? All right. Thank you. Yeah, yeah. But before we end this conversation, I have another question for especially for the cast. Like, very natural. So what is your thought about moving from the 70s cinema to more of a natural cinema, which is very much real nowadays, the real cinema, the real portrait of our society? So what is your thought about it? Like, how much should we promote the real cinema and, you know, the realness of our characters? Well, I always think that art should reflect the society. Yeah. So in that way, I always want to be a part of things that reflect accurately. Yeah. And we have a very colorful country, and we use Indeed. Very colorful language. Aur mere ghar mein bhi matlab uthte se hi gaali chalne lagti hai. Khaas tar mere upar. But yes, no, it's always very good to, sometimes you play something else, sometimes you play something like this. And it's always a privilege. Yeah. All right, so one more question for all of you, that एक ऐसी चीज जिसका आप सभी अपहरण करना चाहोगे, कोई लोग हो, कोई भी चीज हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, या कोई भी एक भावना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगी आप सभी के लिए? मैं एक दो प्रोड्यूसर को तो जरूर अगवा करने वाला हूं. एंड हियर वी हैव द क्वीन ऑफ कंटेंट, मेक सम नॉइज फॉर मिस एकता कपूर, ऑल ऑफ यू, कम ऑन. आई रिक्वेस्ट मैम टू प्लीज ज्वाइन अस ऑन स्टेज. All right. So, ma'am, I was asking our crew that एक ऐसी कौन सी चीज है जिसका आप ऐसी चीज या इंसान या भावना जिसका आप अपहरण करना चाहेंगे अपनी जिंदगी से या किसी और की जिंदगी से या इस दुनिया से? Metabolism. क्या बात है, क्या I think उस बात पे जोरदार तालियां होनी चाहिए यार, क्या बात. Sorry guys, really sorry. I mean I would use it. Traffic excuse, but actually I got stuck with my nephew, so sorry. All right, ma'am. So, ma'am, since I would like to ask you one more question. Like, you know, all the stories, and what was the story, and what was the thought and the process behind selecting Aparan under the banner of Old Balaji? So, I think we don't have Sir here, Goldie Sir. It was his idea. It came to me. And I think Snehil did the narrations, who's quite a quirky person herself. And I absolutely, where's she? Yeah, okay.
I absolutely loved her narration so much so that I hired her in Balaji after that. I think the show, I loved it. The director and producer is probably the most hardworking. In fact, I've wanted to work with him for years. Goldie sir has worked on one of the best shows on TV and I haven't had the chance to work with him. And now we've got him here and he, as you can see, directs like, I think very few directors have, I mean, he doesn't have, I don't think his talent has been given the due credit. So he's probably, in my belief, television's best director and probably one of the best directors. He, like, there was a time when Anurag and all were on TV and we used to say that, you know, when if they ever get a chance in film, they'll do a great job. I say the same about Goldie sir. Round of applause, guys. And yeah, but this round of applause for him. Exactly. And one more thing I would like to ask our media, like now the floor is again open if you guys would like to ask any questions to Ekta ma'am. Please go ahead. जी जनाब हेलो मैम हाय मैम आपको हमेशा से क्रिटिसाइज भी किया जाता है यू सेट द ट्रेंड चाहे वो सास बहू हो या नागिन हो यू सेट द ट्रेंड और जो हर कोई चैनल से वो आपके ट्रेंड को फॉलो करते हैं लेकिन बट यू गेट लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द जर्नलिस्ट साइड कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं या सेक्सुअल एक्सप्लिसिटी फैलाते हैं बट यू गेट थम्स अप फ्रॉम योर व्यूअर्स योर फैंस उसको आप कैसे देखते हैं आपके फैंस आपने मेरा क्वेश्चन खुद ही आंसर कर लिया बट आई एक्चुअली बिलीव ऑनेस्टली दैट आई एम वेरी हैप्पी शोइंग सेक्स सेक्स इट इज नो प्रॉब्लम विद सेक्स आई थिंक वी शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद सेक्स द प्रॉब्लम विद आवर कंट्री इज हमारे खाने के दांत और होते हैं दिखाने के दांत और होते हैं वी शुड हैव अ प्रॉब्लम विद नॉन कंसेंशुअल सेक्स वी शुड हैव अ प्रॉब्लम विद सेक्सुअल क्राइम सेक्स इज ग्रेट And as far as Andhvishwas goes, this is fantasy. Fantasy is great. Nagin is great. I mean, I loved Harry Potter. I love Game of Thrones. We don't match up in effects because our budgets are 1/100th of that. The day we get those kind of budgets, match up in that also. But we make up, more than make up in our storyline. And that's why Nagin is such a big hit. As far as world over, and this is, I'm talking about the post-colonial era, anything populist will be criticized. You cannot take a step with the fear of criticism. True, true. Beautiful. Ma'am, hiko sawal hai aapse ki recently lot of going on in our country. Aur Delhi Darbar mein aapki kaafi suni jati hai. Aap, matlab you are the no one, chahe wo Sonia Gandhi ho ya Narendra Modi ho, sab jante hai ki Ekta Kapoor ko. तो विल यू मेक द करंट सिनेरियो व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर इन द कंट्री कुछ वेब सीरीज आप बनाएंगे करंट सिनेरियो आई हैव अ पॉलिटिकल वेब सीरीज कमिंग अप इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल वन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर देन दैट ओके इट इज अ काउ स्लॉटर और मतलब फुल नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग ओके एट लीस्ट थैंक यू सो मच ओके सर आप लोगों से सवाल है यू वेंट टू द बिग बॉस हाउस हाउ वाज द एक्सपीरियंस देयर बिग बॉस हाउस Thank you so much. Experience was great because it was actually we were mimicking. Main Shrishant play kar raha tha. She was playing Deepika. तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की. बहुत rarely ऐसा होता है कि आपको ज़िंदगी में किसी और को mimic करने का मौका मिलता है. वो भी in a funny way. तो वहाँ पे you can go all out and we went all out. हम लोगों ने बहुत बहुत मज़ा किया वहाँ पे जाने के बाद. It was a good experience. I'll request all our media people to please keep our conversations related to Aparan sure, only. Aparan. Please. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. All right. Any other question? All right. I have a question for ma'am. Ma'am, what was your experience working with this amazing cast? And also, the thought behind having this unique integration of a web series and a TV show? See, I'm not an international app. I don't have those budgets. What I have are some amazing actors who today put out a great post for us. What I have is the support of my channels who let me do a web series promotion after having no tie-up, no paper, no signing. They just said, do what you want on Nagin. And I think these are the relationships I've built. Nagin is not only mine, but India's number one show. It has broken records in every language. I don't think you know this. But in Bengal, in South India,
and in various places, apparently even on digital, it is one of the biggest hits. That goes to break a lot of myths about digital. But actually to get Nagin to promote Apharan, especially because Apharan is a mass product, for me would have been, I didn't want to lose this opportunity. Both Surbhi and our friend here is like super popular in India. Pearl, Surbhi, Anita are stars. And I don't think I would waste an opportunity to use this platform. We have three other big stars here, Nidhi, Mahi, and Arunoday. And I think just getting this amalgamation. And last time I think I did an amalgamation of Veeray the Wedding with Nagin. It was the first episode. I remember for the first time, I think Kareena and Sonam said, "Aayega tufaan, giregi bijli." I don't think they ever spoke those lines. They were like, "We're loving it." Beautiful, beautiful. All right, and now I'll request all of us to please click a picture with a group picture. Ma'am. And now one picture with the cast of Apharan and Ekta, ma'am. Is Apharan hashtag sabka katega. And now we'll open the floor for group interviews. Thank you so much, all of you, for coming here. And today we are here for Old Balaji Presents Apharan, which starts streaming from 14th of December. Once again, you're doing well in online also, Alt Balaji. एक नया web series लेकर आ रहे, क्या कहना चाहेंगे? You know, I already like you. But ये कहना चाहूँगी कि Broken has done superbly well. The numbers are actually shocking. We thought it was an urban show, but masses में भी चला है. और now Apharan, I'm hoping कि audiences को ये भी बहुत अच्छा लगे. ये probably इस साल का मेरा सबसे ambitious web series है, because ये बहुत टफ शूट था एक्टर्स के लिए एंड टेक्नीशियंस के लिए जिन्होंने हरिद्वार में ये शूट ख़त्म करके आए हैं. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मॉल टाउन, ये दो जॉनर्स को मिलाकर बनाया है. इट्स अ थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर विद अ लॉट ऑफ ह्यूमर. सो मुझे ये जॉनर ब्रेकिंग फॉर्मेट बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस है इस शो से. ओके, लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट योर वर्क, उसको क्या कहना चाहेंगे? I love you too. मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत, लाइक आपने कहा, क्रिटिसिज्म भी मिलती है और बहुत, बट मैंने एक डर्टी पिक्चर में एक रजत की लाइन थी, परवाह नहीं थी तो पंछी जैसी उड़ती थी, ज़रा क्या सोचा कि पर कट गए. सो इंसान जब अपना काम करता है उसे ये सोचना चाहिए कि, सोचना नहीं चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं. तो आई डू माई जॉब और ना मैं ये कॉम्प्लीमेंट्स को सीरियसली लेती हूँ ना क्रिटिसिज्म को. देखिए, डिजिटल पे मेरे तीन चार और थ्रिलर्स आ रहे हैं. टेलीविजन पे अभी मैं वही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाऊँगी, डायन. यस, सो आई लाइक प्लेइंग विद जॉनर्स. अभी हमने ड्रीम गर्ल लॉन्च किया आयुष्मान के साथ, ब्रोकन आया ऐप पे, देयर इज ऑफ कोर्स
Apharan, and then there is Dayan. This is all November and December. And also Ekta, Karan Johar ne which company abhi just unki on the way hai, to unke liye kya kehna chahenge aur unhe? I already wrote on his wall. Welcome home, brother. Okay, Ekta, jab hum content ki baat karte hain, to freedom kisme zyada hota hai, filmon mein ya fir web series mein? Mujhe personally lagta hai web series mein, because hume star cast kitna saleable hai, se zyada actors kitne us role mein fit karte hain sochna padta hai. वी डोंट हैव टू थिंक कि ये बिकेगा कि नहीं. खुद का ऐप है, कॉन्टेंट पीपल अपने मोबाइल पर देखते हैं, उनको 200 रुपये भरने नहीं पड़ते थिएटर में जाने के लिए, तो वो कॉन्टेंट पर कॉन्टेंट देखते हैं. कुछ बड़े स्टार्स का कॉन्टेंट भी नहीं चलता और कुछ मीडियम लेवल स्टार्स का कॉन्टेंट सुपर्ब जाता है. तो इट्स अ वेरी वेरी लिबरेटिंग मीडियम. ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर टी वी थोड़ा बहुत लिमिटिंग है. आप किसी के घर में जा रहे हो और आपको बहुत सोचना पड़ता है कि आप किसी की फैमिली व्यूइंग, हमारे देश में हम फैमिली व्यूइंग के वक्त एक फैमिली फेस रखते हैं, मतलब कि हम जो अपने फैमिली के साथ देखते हैं अकेले में बहुत अलग चीज़ें देखते हैं. सो वी आर सो केयरफुल दैट हम कुछ स्टोरीज़ में लिमिट हो जाते हैं. लोग चाहते हैं कि कभी भी एक स्पेशली लड़कियों का कैरेक्टर एक सीमा में रहे, और इससे शायद कभी कभी लड़कियों को ये प्रेशर में जीना पड़ता है कि हमें एक सीमा में क्यों रहना पड़ता है. बट टेलीविजन एक्सपेक्ट्स दैट आउट ऑफ यू, एंड इट्स सम वे लिमिटिंग फॉर इवन अस मेकर्स. वाइल ऑन द डिजिटल स्पेस यू कैन रियली प्ले, यू हैव पाथ ब्रेकिंग कैरेक्टर्स. फॉर मी व्हेन आई हैड मेड डर्टी पिक्चर, इट वॉज माई फर्स्ट आई शुड से इमोशनल रिलीज एज फार एज what I wanted to say, you know. So okay, during Apharan, आपने कौन सी एक चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखा? ये एक्चुअली कॉन्टेंट एंड कंटेंट दोनों मिस्टर गोल्डी का है एंड सिद्धार्थ सेन गुप्ता का है, एंड आई थिंक ही वुड बी द राइट मैन टू आंसर. लेट हिम ऑल्सो. हाँ हाँ जी, बहुत ही अच्छा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंट्रीगिंग, वेरी एजी, वेरी रियल. द वेब सीरीज इज गोना बी रियली नाइस. करेक्ट. मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रेलर भी बहुत अच्छा है, स्टोरी वाइज भी मैंने जितना सुना है उतना बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैं देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ. मैं वेट कर रहा हूँ कि लॉन्च फॉर मैं देखना शुरू करूँ, बिकॉज दीज डेज इट्स सो रियल. जो हम टेलीविज़न पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, बिकॉज हमारी ऑडियंस अलग है तो हम वो चीज़ें नहीं दिखा पाते, लेकिन वेब सीरीज़ में वो सारी चीज़ें भी दिखा पाते हैं जो सोसाइटी के बहुत इंटरनल पार्ट से आपको सच्चाई निकाल के ला के देते हैं, उसी लैंग्वेज में, उसी डायलेक्ट में, उसी तरीके से वो सब कुछ दिखा पाते हैं. तो इट्स वेरी गुड एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ओके, अगर आगे जाके आप लोग भी कुछ इस तरीके कुछ करेंगे, कुछ वेब सीरीज कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ मिलता है इंशाल्लाह, कुछ ऐसी चीज़ आती है तो आई वुड लव टू डू इट, और मुझे अच्छा लगेगा कुछ अलग कैरेक्टर पोर्ट्रे करना जो मैंने जनरली टीवी में नहीं किया है. या एब्सोल्युटली आई वुड लव टू डू समथिंग रियली डिफरेंट देन दिस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. या उसके लिए देखते रहिए नागिन सैटरडे संडे ऑन कलर्स 8 PM. हैप्पी न्यू ईयर. मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग अ लॉट ऑफ फन, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड सक्सेस टू यू ऑल. आप सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं. आप सभी अपना ख्याल रखिए, नए साल में अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस लीजिए, और जो भी चीज़ें अगर आपको ऐसी लगती हैं कि जो ठीक नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो उन्हें ठीक कर लीजिए. गॉड ब्लेस. गॉड ब्लेस. जनता दो क्वेश्चन है इनके, बस उनके हो गया. थैंक यू. इकट्ठा शुरू हो गया. ओके चलो चलो कम. मैं ये कहना चाहूँगी जो मधु है इस बार वो मुझे लग रहा है कि तुम वैसे हो मैं इस टाइम आई विल सेकंड इट है ना. मैं एक्चुअली नो, आप जो बोल रहे हो ना कि मैंने ये कभी प्ले नहीं किया है. हाँ मैं सेकंड नहीं, और मैंने इनके साथ शूट मैंने किया भी नहीं इनके साथ, मैंने सिर्फ इनका पार्ट पढ़ा है. एंड शी हैज नेवर प्लेड समथिंग लाइक दैट. आई कैन सी लग रहा है देखकर, लेकिन वैसा नहीं है. शी इज वेरी मिस्टीरियस इस बार. वो नेगेटिव नहीं है कि नॉर्मली 15 साइव एंड ऑल उसमें बहुत नेगेटिव है, बहुत ही प्लॉटिंग स्कीमिंग करती है, बहुत ही ग्रे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. बहुत अच्छी है इसमें एंड लेकिन मिस्टीरियस है बहुत ज़्यादा. ओके, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके किरदार को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तारीफें बहुत सुनी जा रही हैं. हाँ, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लड़की है एंड यू डोंट नो, सीरीज़ के मिडवे तक तुम्हें समझ नहीं आता है कि क्यों करिए, क्या करिए,
एंड इतना गलत कर रही है क्योंकि शी कम्स अक्रॉस इज़ वेरी सिंपल बट देन सब कुछ खुलता है एंड विद एपिसोड्स यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि पुरानी लव स्टोरी क्या थी अभी कितना कॉम्प्लिकेटेड है क्या हुआ क्यों हुआ सो या ओके भाई जिस तरीके से आपने कहा कि आप हमेशा से एक वेब सीरीज करना चाहती थी और एक तक उनके साथ में काम करना चाहती थी सो मतलब क्या रिएक्शन था आपका जब आपको मालूम पड़ा कि यू आर डूइंग अ वेब सीरीज विद एक्टर आई इनिशियली डिडंट नो जब मैं मिलने गई थी सिद्धार्थ से मुझे सिद्धार्थ बहुत अच्छे लगे मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी और जब उन्होंने बताया कि ऑल बालाजी कर रहे हैं इसको तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थी वेरी गुड मैं करने जा रही हूँ अभी शूट जब अपना ये सब खत्म होगा तो फिर मैं शूटिंग में जाऊँगी और मैं देखूँगी बस मैंने टीवी सेट्स पे बहुत कम गई हूँ तो मुझे और नागिन तो वैसे ही बहुत ही पॉपुलर शो है तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आई थिंक माई एंटायर फैमिली इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑन माई फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मी ऑन नागिन सो इट्स एक्साइटिंग ओके वेब सीरीज करना कितना मतलब यू डिड लॉट ऑफ हाँ जी ये मेरा पहला वेब सीरीज है तो बहुत अच्छा रहा मुझे आई थिंक कंटेंट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर मी अच्छी स्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो ये इस प्लेटफॉर्म पर भी अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही है तो व्हाई नॉट आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस द वेब सीरीज ओके आखिर में अपने फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे यही कहना चाहेंगे हम लोग कि 14th ऑफ दिसंबर को प्लीज़ वॉच अपहरण ऑन ऑल्ट बालाजी दैट्स इट थैंक यू